पास बहुत पैसा है तो आप किसी को दान दीजिए और फिर धीरे से आप उस पैसे को ले लीजिए। जैसे हमारे पास 100 करोड़ रुपए हैं तो हम 100 करोड़ रुपए किसी मंदिर को दान दे दिए, ठीक है, पुजारी से संपर्क करके हम उस 100 करोड़ रुपए को दान में दे दिए और हम सरकार को ये दिखा दिए कि हम दान में दे दिए हैं, फिर सरकार उस पैसे पे टैक्स नहीं लेगी क्योंकि दान में दिए गए पैसे पे टैक्स नहीं लगता है, यह अनुच्छेद 27 में साफ साफ कह दिया गया है। और उस पैसे को हम धीरे से पुजारी से पुनः ले सकते हैं। कितना मजेदार यहाँ पे बनाया गया है, इस अनुच्छेद का हम विरोध करते हैं क्योंकि धर्म में दिए गए दान पर टैक्स नहीं लगेगा, ये बहुत गलत बात है। ऐसे बड़े बड़े लोग बच जाते हैं क्योंकि बड़े बड़े लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं और वे किसी भी धार्मिक अनुसंधान के लिए दान देते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट, 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ ऐसे लोग दान देते हैं और दान देने के बाद वहाँ के लोग बच जाते हैं उस पैसे को क्योंकि उस पैसे पर टैक्स नहीं लगता है, यह अनुच्छेद 27 में।